नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और टोटल साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है। अब मार्केट के अंदर आपको ये चीज समझना पड़ेगा, खासकर अगर आप ऑप्शन के अंदर बायर्स हैं। ऑप्शन बायर्स और सेलर्स को यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि 60-70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड रहता है। खासकर जब भी कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल या डोमेस्टिक इवेंट होता है उसके पहले मार्केट साइडवेज हो जाता है। और मार्केट में एग्जैक्टली अब यही चल रहा है, या तो वॉलिटिलिटी रहती है फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। जैसे आज निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला मॉर्निंग सीजन में, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे टाइम पे अगर ऑप्शन बाइंग के अंतर्गत आपको लॉसेज हो रहे हैं तो थोड़ा वेट एंड आपको पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल साफ हो जाएगा और जब मार्केट के अंदर ये इवेंट ओवर हो जाएगा उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, तो उस समय आपके पास में ट्रेडिंग के लिए पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी की जो सिचुएशन है, मेरा ये मानना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का इसका डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको आज ये बताने वाले किस तरीके से जोरदार रिटेल और एचएनआई पोर्शन का जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला है, अभी भी कल का दिन आपके पास में अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आज वीडियो में आगे करने वाले हैं। पावर ऑफ मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, एक रिलायबल कंटेंट। ईआईसी फ्रेमवर्क को हम फॉलो करते हैं दोस्तों पावर ऑफ मार्केट के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस और अपडेट आपके सामने लगातार रख रहे हैं। डेली बेसिस में निफ्टी बैंक निफ्टी का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, सपोर्ट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव भी रख रहे हैं। वीकली बेसिस पे डॉलर इंडेक्स, यूएसडी, आईएनआर, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जैसे जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस, और मार्केट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, डेटा आता है, चाहे आरबीआई की पॉलिसी, फेड पॉलिसी, इन सबको कोशिश करते हैं कि लगातार आपको इनका एनालिसिस बताएं, इनका अपडेट करें, ताकि आप इनको अपने स्टॉक मार्केट एनालिसिस के साथ में कोरिलेट कर सके और एक अच्छा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का निर्णय ले सकें। तो आशा करते हैं कि पावर ऑफ मार्केट का ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे चैनल का काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए, क्योंकि इससे यूट्यूब से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और इसके अलावा पावर ऑफ मार्केट की टीम को इससे मोटिवेशन भी होता है। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर कई इंपॉर्टेंट असेंबलीज के जो है इलेक्शन अभी चल रहे हैं, चाहे मध्यप्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, या तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें। अब इन असेंबली के इलेक्शंस के एक तो एग्जिट पोल की डेट के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, 30 तारीख को इसके एग्जिट पोल आने वाले हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब ये कैसा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इवेंट है जो कि नेशनल इलेक्शन के ऊपर भी, एनालिस्ट का यह मानना है कि जो मई जून में नेशनल इलेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसको इंपैक्ट कर सकता है। करेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर एनालिस्ट का यह मानना है कि इंपैक्ट कर सकता है। तो अब चूंकि बहुत क्लोज आ गई है डेट, चाहे 30 नवंबर की बात करें, 3 दिसंबर की बात करें, मार्केट के अंदर अब मान के चलिए कि अगले एक हफ्ते काफी डिफिकल्ट होने वाले, इसलिए अगर आप ऑप्शन के बाहर हैं तो आपको काफी अलर्ट होने की जरूरत है। मार्केट ज्यादातर या तो वॉलिटिलिटी में रहेगा या फिर मार्केट के अंदर साइडवेज और रेंज बाउंड मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी मार्केट के अंदर अगर डायरेक्शन नहीं है क्लियर तो ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। इसको लेके एक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो तैयार किया, जिसमें हमने आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी और आपको कहां ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, कहां ऑप्शन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर साइडवेज मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो पावर ऑफ मार्केट के प्लेलिस्ट में एक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, ऑप्शन हेजिंग की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें मिलेंगी। वहां पे जाके आप इसको देखिए, और ये जो समय है 7-8 दिन का, इसमें कम से कम ट्रेडिंग करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक बार इवेंट क्लियर आउट हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको स्विफ्ट डायरेक्शंस मिलेंगे, चाहे ऊपर की तरफ मिले चाहे नीचे की तरफ, तो उनका आपको फायदा उठाना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन सेलर की बात करें तो आपको रेंज बाउंड मार्केट में भी बहुत सारी जो है स्ट्रेटजीज होती है, चाहे हम शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात करें, शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करें, आयरन कोंडोर की बात करें, आयरन फ्लाई की बात करें, आयरन बटरफ्लाई की बात करें, तो ये स्ट्रेटजीज अगर आपको आती हैं तो आप सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना पड़ता है, जिनकी लगातार पावर ऑफ मार्केट चर्चा कर रहा है।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में है। आरबीआई की इस कैलेंडर ईयर 2023 की जो लास्ट पॉलिसी है वो आने वाली काफी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इवेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आरबीआई का इन्फ्लेशन को लेकर क्या आउटलुक है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आरबीआई की क्या प्रोजेक्शन है, लिक्विडिटी की फाइनेंशियल सिस्टम में क्या स्थिति है, और साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ, डिपोजिट ग्रोथ और बैंकों के अंदर किस तरीके का भी माहौल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के टर्म्स में, और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि आरबीआई क्या निर्णय लेता है। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये पॉइंट्स हमें लगा कि सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करना चाहिए। अब सीधे निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी के अगर टेक्निकल सेटअप की बात करें, कल आपको ध्यान होगा कि हमने आपसे 19900 के पहले रेसिस्टेंस की बात की थी। आज का अगर आप हाई देखेंगे 19875 का ही, तो ये इंपॉर्टेंट होता है जो अगर रेसिस्टेंस सपोर्ट आप सही तरीके से ड्रॉ कर सकें। कल की अगर हम बात करें तो दोस्तों डेली और वीकली चार्ट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, कोई चेंजेस नहीं है। शॉर्ट टर्म की भी स्ट्रक्चर मजबूत है, इंटरडे बेसिस पे साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो कल के लिए आपको 19900 का पहला इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, उसका 20000 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। सपोर्ट की अगर बात करें तो 19650 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद में 19500 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी स्पॉट अगर 19900 के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो फिर ये 20000 की तरफ बढ़ सकती है, और नीचे जब तक 19500 के ऊपर रिटेन है किसी भी तरीके की बेरिशनेस निफ्टी स्पॉट के अंदर आने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, आउटलुक आपको पता होना चाहिए। बैंक निफ्टी स्पॉट के टेक्निकल सेटअप को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पे भी ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर जो थोड़ा नेगेटिव है, इंटरडे बेसिस पे साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी स्पॉट में एक बात आपको ध्यान रखना है कि 43900 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, उसका 44100 का भी एक और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट की बात करें 43200 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 43000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट में ओवरऑल अभी वीकनेस लग रही है। कल हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये फीडबैक दिया था कि आप जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है उनका एनालिसिस भी सामने रखा करिए। तो आज से हम वो सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का करीब करीब 30% के आसपास का वेटेज है। आईसीआईसी बैंक के वेटेज की बात करें 27% के आसपास का वेटेज बैठता है। एक्सिस बैंक का वेटेज 12-13% के आसपास का बैठता है, और एसबीआई का जो वेटेज है वो 10% के आसपास का बैठता है। तो ये जो चार प्रमुख इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है इनका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें, दोस्तों एचडीएफसी बैंक का लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, और जो प्रमुख कारण है कि बैंक निफ्टी के अंदर स्लगिशनेस, जो वीकनेस आपको लगातार बनी हुई है, उसमें एचडीएफसी प्रमुख कॉन्स्टिट्यूट है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपकी कोई पोजीशन है तो आपको चीज समझना चाहिए कि अभी शॉर्ट टर्म में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इंटरनेट बेसिस पे जरूर थोड़ा ट्रेंड साइडवेज देखने को मिला। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का अभी भी लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें जिसका वेटेज करीब करीब 27% के आसपास है, यहां पे भी आपको मायूसी मिल रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म का यहां का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव लग रहा है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव, और इंटरनेट बेसिस पे साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है। एक्सिस बैंक की अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो एक्सिस बैंक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूट है जो 12-13% बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है। इसका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और इंटरडे बेसिस पे भी। तो ये कैसा काउंटर है जो आपके रडार पे होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, निफ्टी पीएसयू बैंक की भी कल हमने बात की थी कि वहां वीकनेस लग रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका प्रमुख कारण है। इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव लग रहा है, इंटरडे बेसिस पे थोड़ा साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है। यही प्रमुख कारण है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूट है वो काफी नेगेटिव है। खासकर एचडीएफसी बैंक जब तक नेगेटिव बना हुआ है बैंक निफ्टी में आपको किसी भी मेजर स्ट्रॉन्ग रैली आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इधर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक को जो है आगे आना पड़ेगा। जब इन दोनों बैंक में से कोई एक भी एक बैंक आगे बढ़ेगा तो फिर बैंक निफ्टी आपको नए लेवल्स की तरफ दिख सकती है। सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की बात करें, निफ्टी रियलिटी की हमने आपको कल भी बताया था और अभी भी हमारा मानना है कि निफ्टी रियलिटी मजबूत रह सकता है। निफ्टी फार्मा में जरूर आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई है, पर ये फिजल आउट हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द रिकवरी इन निफ्टी फार्मा ऑल्सो। तो निफ्टी रियलिटी मजबूत रह सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक में कल हमने आपकी वीकनेस की बात की थी, आज भी प्रॉफिट बुकिंग रही, आने वाले दिनों में कल भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, स्टार्ट कर रहा है यूएस मार्केट से, यूएस मार्केट टोटल फ्लैट चल रहा है। डाउ जोन्स, नेस्टेक और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसे चार्ट्स का जब हमने एनालिसिस किया तो यहाँ पे टोटल साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला। डाउ जोन्स करीब करीब 4 पॉइंट ऊपर चल रहा था। यूरोपियन मार्केट की बात करें, फिटसी कैक और डेक्स जैसे भी इंडाइसेस में टोटल फ्लैट ट्रेड आज इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट की जहां अगर हम बात करते हैं तो एशियन मार्केट में भी हैंगसेंग और संघाई जैसे जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस वहां पॉजिटिविटी है, ये अच्छे सिग्नल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। पर रिमेनिंग जो एशियन मार्केट के इंडाइसेस है वहां पे साइडवेज ट्रेंड देखने को
मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों कल हमने आपसे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का जो है डिटेल में एनालिसिस किया था, उसके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखे थे। और आज भी हमारा ये मानना है, आज जब हम इसको ट्रैक कर रहे थे कि किस तरीके से इसमें सब्सक्रिप्शन चल रहा, करीब करीब 14 टाइम रिटेल कैटेगरी में आप समझ सकते हैं इस तरीके का बम्पर रिस्पॉन्स मिला है, और HNI कैटेगरी में भी धूमधाम रिस्पॉन्स है। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि ये कैसा आईपीओ है जिसमें आपको जबरदस्त जो है लिस्टिंग गेन की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, और साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी कंपनी का काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसका आप डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कल के हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अवेलेबल है वो जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि ओवरऑल काफी मजबूत कंपनी है। चाहे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, जिस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो भी काफी मजबूत है। इसके अलावा कंपनीज के जो पीयर्स हैं उनकी तुलना में वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं लग रहे हैं, और आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आपको पता है कि किस तरीके का टाटा ग्रुप का प्रमोटर, जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री रही है, ओवरऑल शानदार कंपनी है। 3,042 करोड़ का टोटल OFS है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो कल भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अलाउ करता है तो इस तरीके के IPO जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपके रडार पर होना चाहिए। तो आज जो पावर ऑफ मार्केट ने 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, अगर आपको पावर ऑफ मार्केट का काम पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट्स करिए। अगर आप हमारे साथ कोई ब्रांडिंग एक्टिविटी, एफिलिएशन या किसी भी प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं तो हमें ईमेल के माध्यम से या हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में अपना ईमेल छोड़ सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहां मेल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स ने जो आज हमसे रिक्वेस्ट की थी, हम हमेशा कहते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे व्यूअर्स हैं, और जो भी लोग हमसे जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं हर व्यूअर जानता है कि हम आपको इमीडिएट बेसिस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो लगातार जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वही हमारी ताकत है। इसलिए जब व्यूअर ने हमसे कहा कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है बैंक निफ्टी के, उसको भी आप शामिल करिए अपने एनालिसिस में, और उनके भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंटरडे बेसिस पर ट्रेंड बताइए, ताकि हमको पता चले कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। और हमारा भी मानना है कि जब तक आपको बैंक निफ्टी के अंदर के कॉन्स्टिट्यूट के ट्रेंड नहीं पता चलेंगे तब तक आप उसका सही तरीके से पर्सपेक्टिव नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने आज से स्टार्ट कर दिया, इसको लगातार जारी रखेंगे। ऐसे और भी जो अगर आपके पॉजिटिव सजेशन है चैनल को लेकर या किसी वीडियोस को लेकर आप हमें दे सकते हैं। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात।